भाषा की जो बात है ना उसमें एक शब्द है आरामदेह है, दिख रहा है क्या? अब ध्यान से सुनो, वैसे देह जो शब्द होता है ना, देह है ये शरीर होता है, शरीर, शरीर को और क्या कहते हैं? तन। और क्या कहते हैं? बदन। अब बदन के बारे में सुन लो, बदन शरीर को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक शब्द है वदन, ये वदन होता है मुंह है या बोलना, दो अर्थ है इसके वदन के, तो एक है बदन एक है वदन, ये युग्म शब्द में काम आते हैं। तो देह हिंदी में तो है शब्द, लेकिन उर्दू में ये शब्द नहीं है, शब्दांश है, प्रत्यय है ये, आराम देह है, इसका अर्थ होता है देने वाला, आराम देने वाला, बोलते ना कि ये गद्दा आराम देह है, है ना। तो देह हिंदी में तो शब्द है और उर्दू में शब्दांश है, प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं ना शब्द के, तो आराम देह है, समझ आई बात है।